नमस्कार, मैं अश्वानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। पॉपुलर फ्रंट की ओर से शुक्रवार को बुलाए गए केरल बंद के दौरान कई क्षेत्रों से हिंसा की खबरें आई। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बस ड्राइवर हेलमेट लगाकर बस चला रहा है। दरअसल प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी, उस दौरान कई बसों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस ने कार्रवाई की और 170 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। बिहार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली के नाम पर एक बीजेपी नेता द्वारा एक अधिकारी से चंदा मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में रैली के नाम पर सहयोग मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिले के सभी एमओ सहयोग कर रहे हैं तो वो क्या नहीं करेंगे। ऑडियो के अंत में सहयोग राशि के रूप में 25,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। इस ऑडियो की पुष्टि बिहार न्यूज़ नहीं करता है, हालांकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसे शेयर कर जवाब मांगा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात ने फिर अटकलें बढ़ा दी हैं। अब कहा जा रहा है कि बैठक के दौरान राज्य में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है। हालांकि शिंदे इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तर्ज पर प्लास्टिक मल्चिंग लगाकर खेती करने वाले किसानों को ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए मल्चिंग योजना के तहत 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तर्ज पर किसानों को ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पुणे में जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर कल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनने गए थे पीएफआई के कार्यकर्ता। वहां ईडी सीबीआई पुलिस की छापेमारी के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिन्हें शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें आज ही अदालत के सामने पेश किया गया है। बिहार विधान परिषद में जदयू एमएलसी संजय कुमार सिंह को मुख्य सचेतक और राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह को उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। साथ ही जदयू एमएलसी नीरज कुमार एवं एमएलसी रीना देवी को सचेतक बनाया गया है। इसके लिए बिहार विधान परिषद सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि कांग्रेस का नया प्रमुख पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए और उन्हें सभी से मुलाकात करना चाहिए। चौहान ने पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत करने की बात कही है। साथ ही राज्यों की तरफ से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए जारी प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा आयोजित रैली में भाग लेंगे। इस रैली में विभिन्न राज्यों के दलों के आला नेता भाग लेंगे। इस रैली के बहाने विपक्षी दल अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे। हाथरस जिले के कस्बा सिकंदरा राव के मोहल्ला बड़हसेनी में शनिवार की सुबह सीबीआई ने एक मकान पर छापेमारी की। मकान में रहने वाले युवक पंकज गुप्ता पर आरोप है कि उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड की कोई वीडियो कॉल की थी और उसे आगे फॉरवर्ड किया था। माना जा रहा है कि उसी की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम पंकज गुप्ता का लैपटॉप और मोबाइल को खंगाल रही है। छापेमारी के दौरान किसी को भी मकान में अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। दीपावली और छठ पूजा को लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। ऐसे में घर से दूर रहने वाले लोग इस समय अपने घर वापस आते हैं। इस समय में ट्रेन की डिमांड भी बढ़ जाती है। दीपावली और छठ को लेकर ट्रेन की डिमांड को देखते हुए रेलवे ने अगले माह से पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से बड़ौनी होकर जयनगर के बीच चलेगी। बारिश की वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल को बंद कर दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है और छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। झारखंड और बिहार के भी कुछ जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। अंकिता भंडारी का शव शनिवार की सुबह ऋषिकेश के चिल्ला नहर से बरामद किया गया। ऋषिकेश में स्थानीय लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य के वनतारा रिजॉर्ट में आग लगा दी, जिसे दो अन्य आरोपितों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस हत्याकांड को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIT गठित कर जाँच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बीते गुरुवार को पूरे भारत में 15 राज्यों में PFI SDPI नेटवर्क पर एक साथ छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान PFI के अध्यक्ष OMS सलाम सहित 106 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अब ऐसे में यह संगठन पूरी तरह से सकते में है। एजेंसी की इस कार्रवाई ने आरोपी को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस आलीपोव ने शुक्रवार को कहा कि G7 देशों की तरफ से प्रस्तावित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत सीमा वाजिब नहीं होने पर वह वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति रोक देंगे। डेनिस आलीपोव ने कहा कि कीमत सीमा तय करने में अमेरिकी पहल का साथ देने वाले अन्य देशों को भी हम तेल की आपूर्ति बंद कर देंगे।
कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर निशाना साधने के अपने अभियान को तेज करते हुए शुक्रवार को बेंगलोर के पास नीलमंगला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पीसीएम के पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस ने बाद में अपने पीसीएम अभियान की तस्वीरें मीडिया के साथ साझा की। वहीं बाद में इस मामले में कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि आश्रितों की रिहाई के लिए लगभग 300 मेहमानों के साथ पीएम के दौरे की व्यवस्था करने के लिए कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य में बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे, लेकिन अब इसकी जांच पड़ताल की गई है, जिसके बाद यह खबर मात्र एक अफवाह बनकर सामने आई है जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रोसेस 30 सितंबर तक चलेगी। अक्टूबर को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी और उसी दिन वैलिड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार अपना नाम वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। अगर एक से अधिक कांग्रेस नेता ने नामांकन दाखिल किया तो 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। सन्यासी अखाड़े में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वर को ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया गया। गुजरात की द्वारका शारदा पीठ और उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का 11 सितंबर को उनके आश्रम में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में युवा विजय संकल्प रैली को वर्चुअल संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत युवाओं के बीच मौजूद न होने पाने पर दुख जताते हुए किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तय कार्यक्रम के तहत मुझे अब तक मंडी पहुंच जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया है। मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, दिल्ली से ही आप सभी से संवाद कर रहा हूँ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग एक बार फिर से तेज होती जा रही है। देश विरोधी काम करने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा और अखिल भारतीय बार एसोसिएशन ने इस पर बैन लगाने की मांग की है। हिंदू महासभा का कहना है कि वह अपनी मांगों को लेकर सोमवार यानी 26 सितंबर को शाम 5 बजे सड़कों पर उतरेगी। 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर जब भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत की तरफ से इसका करारा जवाब दिया गया। अब पाकिस्तान और ज्यादा तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा है। इस बार पाक महिला राजनयिक साइमा सलीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, हिंदुत्व बीजेपी और RSS को निशाना बनाकर टिप्पणियां की है। देश में 5G सेवाएं 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे। लॉन्च के बाद लोगों का 5G सेवाओं का इंतजार खत्म हो जाएगा। सरकार के नेशनल ब्रांडेड मिशन के ने आज ट्वीट करके यह जानकारी दी है। केरल में स्कूल का समय बदलने के प्रस्ताव का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने विरोध किया है। यह प्रस्ताव सरकार द्वारा नियुक्त पैनल की ओर से दिया गया था। शनिवार को IUML ने राज्य स्तर से अपील की कि पैनल द्वारा दिए गए स्कूल बदलने के प्रस्ताव को खारिज कर दे। किसी मरे हुए व्यक्ति के द्वारा विज्ञापन देने का मामला सामने आया है। एक अखबार में छपा यह विज्ञापन इंटरनेट मीडिया पर खूब चर्चे का विषय बना हुआ है। कई लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि कोई मरा हुआ शख्स कैसे विज्ञापन छपवा सकता है। इस विज्ञापन में लिखा हुआ है कि मेरा डेथ सर्टिफिकेट खो गया है। बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो की ऑनलाइन बिक्री और वितरण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में केंद्रीय जांच ब्यूरो शनिवार को 20 राज्यों में 56 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि CBI को इंटरपोल की सिंगापुर स्थित क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड यूनिट से इंटरनेट पर ऐसी सामग्री की बिक्री और वितरण के बारे में जानकारी मिली थी। भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोजा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। दोनों के बीच भारत श्रीलंका संबंधों पर चर्चा हुई और स्थिति की समीक्षा की गई। हालांकि यह मुलाकात भारत और श्रीलंका के बीच एक नियमित और चल रही बातचीत के हिस्से के रूप में हुई है। लंपी वायरस इस वक्त पशुओं पर कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना महामारी के बाद अब देश लंपी वायरस से लड़ रहा है। यह नया वायरस पशुओं पर कहर बरपा रहा है। लंपी त्वचा रोग जिसको लेकर बड़ी चिंता सामने आई है। अब लंपी वायरस के भी कोरोना की तरह वेरिएंट बदलने की आशंका जताई जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के करीब 5,000 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 44,436 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 845 मामलों में कमी देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.10% शामिल है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को वर्षा बाधित दूसरी T20 मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की। कप्तान रोहित शर्मा की शानदार पारी की बदौलत मिली इस जीत से भारत ने 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर ला दी है। अब तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला हैदराबाद में रविवार 25 सितंबर को खेला जाएगा। विराट ने इस मैच से पहले मेहमान टीम को खुलेआम चुनौती दी है।
भारत विश्व पटल पर मैन्युफैक्चरिंग में चीन की जगह लेता जा रहा है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती लागत, ताइवान के साथ संबंधों में तनाव और कोविड-19 के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के कारण सप्लाई चेन में दिक्कतें आने से अनेक देश और उनकी कंपनियां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पर निर्भरता कम करना चाहती है। इस बदलते माहौल में भारत उनका नया ठिकाना बन रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, राकेश शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, के सिन्हा, खुशबू कुमारी, मुचू रंगीला, भानु प्रकाश मौर्य और नुनू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में नेटवर्क की सुविधा कैसी है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, साथ ही अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।